उसका। Listen to me. क्या हुआ? उसका बटन बदल रहा है। शीता, stop. क्या हो रहा है ये सब? वो हमारी बेटी है। हमने आज तक हमारे बच्चों को ऐसी परवरिश दी है। हमारे बच्चे किसी ने आज तक ऐसी हरकतें नहीं की। रमन पीहू, क्या क्या सीख मिल रही है उसको? आपने सुना ना सिमी ने क्या कहा? तू पुलिस को ब्राइट दे रही है, महंगा फोन, ट्रीट्स, लेकिन ब्राइट? हमारी पीहू ये सीख रही है? मुझे भी इसी बात का डर था। शगुन ये नहीं समझती कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा कैसे करते हैं, कभी किया होगा तो पता होगा ना उसे। हम क्या कर सकते हैं? We are helpless. नहीं, we have to do it now. अब हमें never been so helpless in my life. अब हमें पीहू को बता देना चाहिए कि मैं उसकी माँ। होश में आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। रमन, यही तरीका है। अगर उसे एक बार पता चल जाए कि मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे देखने का नजरिया बदल जाएगा। कम से कम वो भले ही अभी पसंद नहीं करती, लेकिन वो बच्ची है, नहीं समझेगी। हम उसे अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हैं रमन? आजकल के बच्चे कितने समझदार होते हैं, हो सकता है वो समझे। एंड रमन, एटलीस्ट वो मुझे अलग ढंग से देखेगी, मेरे करीब आना शुरू हो जाएगी, मैं उसे फिर कुछ तो अच्छी बेहतर सीख दे पाऊंगी। अगर उसे ऐसा लगा कि इतने सालों तक हमने उसे फिर से एक बड़ा झूठ कहा है तो इससे ज्यादा नफरत करेगी हमसे, तब क्या कर लेंगे हम लोग? तो अभी कुछ कम नफरत करती है क्या? अभी अगर अगर ऐसा करिए, हो सकता है अगर हम उसको कुछ बताएं, सच बताएं, उसका नजरिया बदले रमन, हो सकता है उसके बाद वो हमें। नजरिया दो तरीकों से बदलता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। अगर उल्टा पड़ गया तो देखो, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, प्लीज। रिस्क लेना पड़ेगा ना रमन, नहीं तो वरना ऐसे ही चलता रहे। इसी तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बेटी मुझसे इतना नफरत करे कि मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी। और ये रिस्क मैं नहीं लूंगा। पीहू को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, दैट्स इट। मैं पहले बहुत मजबूर हूँ, टूट जाऊं उससे पहले बस। हम उसे बुरे संस्कार मिलते रहने दिए, बिगड़ने दिए। हम उसे सही रास्ते पे नहीं लेकर आए। हाथ पे हाथ धर के बैठे ना हम तो। बेटा, I'm sorry. पीहू, please. I know मामा से गलती हुई है, and I promise कि मैं ये गलती वापस कभी नहीं करूँगी. Sorry. मामा, आपको पता है मैं कितना डर रही थी? आपने इतना वक्त भी लगा दिया आने में, और आपने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया. Sorry. मामा को माफ कर दो, please. वैसे मामा ने आपके लिए एक प्लान बनाया था, लेकिन आप इतनी अपसेट हो, कैंसिल कर देती हूँ. क्या प्लान मामा? लेट इट बी। बताओ ना मामा, क्या प्लान है? शॉपिंग का प्लान है, वो भी आपके पैसों से। आपको जो चाहिए आप खरीद लेना। मेरे पैसों से? पर मेरे पास बहुत कम पैसे पिगी बैंक में। ये पैसे अभी आपके हैं। वाओ मामा, इतने सारे पैसे? 5,000 रुपीज है। Wow. इससे आपको जो चाहिए ना आप ले लेना कर। Yeah. सच में मम्मा, मुझे जो चाहिए वो? जो भी पसंद आए। Wow, mama, I love you. I love you too. चल, अब बहुत लेट हो चुकी है, सो जाओ, कल शॉपिंग करेंगे। Okay. गुड नाइट।